जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ विज्ञान। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी चैनल पे जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को एक्सप्लेन किया गया था। उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक हम साइंटिफिक वे में एज्यूम कर सकते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कई जगह डायमेंशंस की बात की थी और एक व्यूअर ने कमेंट भी हमें किया था कि भाई इसका सेकेंड पार्ट चाहिए। तो हियर प्रेजेंट आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जानेंगे कि आखिर स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, एम थ्योरी क्या होती है और ये 11 डायमेंशंस क्या है, क्वांटम फील्ड्स क्या हैं, इन सब की बात आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा और इसके बाद आपको स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड और कोई वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हमें स्ट्रिंग थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तभी हम उसे बनाते हैं। तो देखिए, अगर हमें किसी भी बॉडी की, मैक्रो बॉडी का मतलब होता है कोई भी सेलेशियल या बड़ी बॉडी, मतलब उसको एटॉमिक लेवल से ऊपर कर दे तो वो मैक्रो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी प्लैनेट, सेलेशियल बॉडी, स्टार या हमारा किसी भी चीज़ का मोशन जानना हो, उसका रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जानना हो, वो सब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कर पाते थे जो कि आइंस्टाइन ने 1905 में दी थी। उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली ये हमें मदद करती है किसी भी बेसिक या मैक्रो या सेलेशियल बॉडी का मोशन जानने में, उसका मोमेंटम जानने में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जानने में। लेकिन बात यह होती है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। ये जितने भी फंडामेंटल फोर्स हैं उनको मैक्रो ऑब्जेक्ट पे तो एक्सप्लेन कर देती है, बट जब हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं तो वहाँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सारे रूल टूट जाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल होती दिखाई देती, और तभी हम उनका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि आखिर क्वांटम लेवल पे चीज़ें कैसी होती हैं, क्योंकि क्वांटम लेवल पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप 100 एक्सपेरिमेंट को एक ही तरह से करेंगे फिर भी आपको 100 अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, जो कि काफ़ी अजीब होता है और वो हमारे मैक्रो वर्ल्ड में नहीं होती। तो क्वांटम लेवल पे बाकी सारी चीज़ें, मोशन, वेव्स और बाकी चीज़ों को बताने के लिए हम क्वांटम फील्ड थ्योरी का यूज़ करते हैं। उससे हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल का मोमेंटम, इनर्शिया, ये सब बता पाते हैं। ऑल दो हम इसको प्रिसाइजली डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता है। लेकिन बात ये होती है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़े पैमाने पे हमें सारी फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन कर देती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें क्वांटम लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है। तो बात आती है कि इन दोनों का स्ट्रिंग थ्योरी से क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर आप जानते होंगे, इसके लिए आपको फंडामेंटल फोर्सेस को समझना होगा। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है, देखिए हमारे यूनिवर्स में चार फंडामेंटल फोर्स हैं जो कि हमें हर जगह दिखेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें से ये चारों में क्वांटम थ्योरी प्लस हमें रिलेटिविटी थ्योरी, इन दोनों को देखना पड़ता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी थ्योरी हुई जो कि इन चारों फोर्सेस को मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक, यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर क्वांटम फील्ड थ्योरी तक जोड़ दे, तो वही होगी हमारी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या यूनिफाइड थ्योरी, जिसको स्टीफन हॉकिंग्स ने प्रपोज करने का कोशिश किया। हम ये सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो मैग्नेट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बने, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि मैग्नेट्स से बने, ऐसे फेनोमेनन्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और बेसिकली हम ये सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसी ही इलेक्ट्रिसिटी एक क्वांटम लेवल में प्रोड्यूस होगी, प्लस वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बादलों में भी प्रोड्यूस होगी, मतलब मैक्रो लेवल पे। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो यहाँ पर मैटर ही नहीं है। तो क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स मैटर है? तो देखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इतना बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि वो हमें कुछ डिकेशन देती है या फिर बाकी चीज़ें देती है। एक तरह से आप मोटे मोटे तौर पर ये भी समझ सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर शब्द ही न्यूक्लियस से आया है, इसका मतलब ये भी एटॉमिक लेवल पे कनेक्टेड है। इसके बाद आती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वो तो है ही एटॉमिक लेवल की। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो, और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, और हमने ये पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन और प्रोटॉन पास में होते हैं तो उनको तो एक दूसरे को रिपल कर देना चाहिए, पर ऐसी कोई ना कोई फोर्स तो होगी जो कि दो प्रोटॉन यानी सेम चार्जेस को एक दूसरे से अट्रैक्ट करके रखती है, चिपका के रखती है। इसी फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो बात क्या आई जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी दोनों में मिल गए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आती है हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर, क्योंकि वो मैक्रो और माइक्रो ऑब्जेक्ट में अलग अलग काम करती है। अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्रो ऑब्जेक्ट पे, जैसे न्यूटन ने कहा था, वैसे काम करती तो है, बट आइंस्टाइन ने इसका एक बेटर एक्सप्लेनेशन दिया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक में आया एक कर्वेचर है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट अपने मास के हिसाब से बनाते हैं। अब ये बात तो ठीक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े ऑब्जेक्ट में कैसे काम करती है, क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब वहाँ पर ग्रेविटी वैसे काम नहीं करती जैसे हमारी नॉर्मल वर्ल्ड में काम करती। तो बात ये हो गई कि हमने सारी फोर्सेस को एक्सप्लेन तो कर दिया, पर यहाँ पर ये जो फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटी, वो दिक्कत दे रही है क्योंकि वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी में सेम नहीं हो रही। इसका मतलब अगर हमें कोई ऐसी थ्योरी मिल जाए जो कि इन फेनोमेनन को, मतलब ग्रेविटी को, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी इन दोनों के साथ इंडिकेट कर दे, तो उसे हम यूनिफाइड थ्योरी कह सकते हैं या फिर स्ट्रिंग थ्योरी कह सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली हमें क्वांटम ग्रेविटी के बारे में बताती है, मतलब कि कैसे क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी काम करती, बेसिकली ये मैथमेटिकल प्रूफ के साथ है। अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जिसमें हमें क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, टैकियॉन्स और बाकी चीज़ों के बारे में पता चलता है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स होने के कारण वो प्रोटॉन कहला जाता है और बाकी चीज़ों में अलग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट की चेंज से पूरा का पूरा एटम का चार्ज ही बदल जाता है। और ये जो अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स हैं, इनका इनकी स्पिन से कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अप क्वार्क्स ऊपर की तरफ घूमेंगे और डाउन क्वार्क्स नीचे की तरफ, ये सिर्फ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम लेवल पे अगर कोई ऐसी थ्योरी हो जो कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर दे, यानी क्वांटम ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर दे, तो वो हम उसे यूनिफाइड थ्योरी कह सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी आती है। अब स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, उसका यूज़ कैसा है, ये सारी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, इसके पार्ट टू में, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि आखिर हमें स्ट्रिंग थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। अब बेसिकली यहाँ पर 16 टाइप ऑफ क्वांटम फील्ड्स आती हैं। अब ये क्वांटम फील्ड्स क्या होती हैं, ये बात भी हम स्ट्रिंग थ्योरी के वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऑल्दो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आखिर हमें स्ट्रिंग थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें मल्टीपल डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट आया, एम थ्योरी क्या होती है। देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी में बेसिकली 10 डायमेंशंस की बात की गई है और एम थ्योरी में 11 डायमेंशंस की बात की गई है, और इन दोनों को मिला के हम इन दोनों को कंबाइन एम थ्योरी कह सकते हैं, मतलब ये एक तरह से एम थ्योरी के दो वर्जन्स हो गए। इन सब क्या होते हैं, इनमें कितनी डायमेंशंस आती हैं, ये क्वांटम फील्ड्स क्या होती हैं, 16 तरह की क्वांटम फील्ड्स क्या होती हैं, आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, और अगर कहा गया है कि ये वेव है या पार्टिकल, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगी या कुछ टाइम बाद या कल ही वो वीडियो आ जाएगी। होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर, ताकि हमारे न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। मैं हूं आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।